अपने मोबाइल फोन से अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करके 8300 पर सेंड करें और अपना ब्लॉक कोड और पोलिंग स्टेशन जानिए। 25 जुलाई को अपना शिनाख्ती कार्ड साथ ले जाना ना भूलिए। पोलिंग स्टेशन के बाहर पार्टी के कैंप ऑफिसर को अपना आईडी कार्ड दिखाकर चिट हासिल करें, जिससे आपका अंदर जाकर वक्त जाया नहीं होगा। पोलिंग ऑफिसर आपका असल शिनाख्ती कार्ड और इंतखाबी लिस्ट में तफसीलात चेक करेगा। यहाँ इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका नाम बुलंद आवाज में पुकारा जाए, जिसके बाद आपका नाम इंतखाबी लिस्ट में से काट दिया जाएगा। उसके बाद लिस्ट पर आपके अंगूठे का निशान लिया जाएगा और आपके अंगूठे के ऊपर स्याही का निशान लगा दिया जाएगा। उसके बाद आपको कौमी और सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। यहाँ इस बात का खास ख्याल रखें कि कैंप ऑफिसर आपके सामने बैलेट पेपर पर दस्तखत करे और स्टैंप लगाए। उसके बाद आपको वोटिंग स्क्रीन के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां आप अपने बैलेट पेपर्स पर दिए गए पसंद के उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। मोहर लगाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके हाथ साफ सुथरे हों और स्क्रीन के आसपास कोई खिड़की या कोई बैनर मौजूद ना हो। अगर इनमें से किसी भी चीज का खदशा हो तो कमरे में मौजूद करीबी आर्मी ऑफिसर या अपने पोलिंग एजेंट को राब्ता करें। बैलेट पेपर्स को फोल्ड करके कमरे के बीच में मौजूद कौमी और सूबाई असेंबली के बॉक्सेस में डालें। यहां एहतियात करें कि बॉक्सेस कमरे के बीच में मौजूद हों। सब्ज रंग का बैलेट पेपर सब्ज ढक्कन वाले बॉक्स में डालें। सफेद रंग का बैलेट पेपर सफेद ढक्कन वाले बॉक्स में डालें। साफ और शफाफ इलेक्शंस का हिस्सा बनें।